हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ और वो भी अभी जा रही हूँ कहीं पे, मतलब दी के घर जा रही हूँ। सामने ही रहती है दी। दी को आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में पहले भी बहुत बार देखा है और उसकी पुचकी का तो बहुत बार देखा है। मकर संक्रांति का पीठा खाने जा रही हूँ, बिहू का, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। আমার এখন সামনে हम लोग यहाँ पे आए, बहुत टाइम हो चुका है। एक चाय, फिर वो पीठा, वो सब खा भी लिए हैं और अभी जाने को है। और इसको देखिए, मोबाइल लेके बिजी है। आज बहुत ठंडा भी है इसलिए आज ये भागदौड़ी कम कर रही है। तो अभी हम लोग घर चले जाएंगे क्योंकि कल सुबह सुबह उनको निकलना है ऑफिशियल टूर में, मतलब बाहर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुछ प्रिपरेशन, जो कि आज मेरे फ्रेंड्स आएंगे जिन लोगों को आप लोगों ने हमेशा देखा है मेरे ब्लॉग में, तो सोचा कुछ बनाती हूँ। तो बनाने में जैसे कि पहले तो ये पटीशप्टा जो पीठा होता है वो बनाऊंगी, क्योंकि बिहू के बाद बाद ही आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और बनाऊंगी यहाँ पे छोले कुछ स्पेशल टाइप में, क्योंकि मैं तो ऑनियन यूज़ नहीं करूँगी, तो इसलिए इसके साथ मैं सोया बड़ी यूज़ करूँगी और कुछ मसाला बनाऊँगी जो कि मैं दिखाऊँगी। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ मैं ये सब बनाने में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर एक चीज़ ना, मैं इस बार 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 मम्मी को भी बोल रही थी फ़ोन पे, फिर बहन को भी बोल रही थी कि मैं ना ये पीठा बनाने में एक्सपर्ट हो गई हूँ। सब बोलते हैं ये पीठा बनाने में ना पहले पहले एक दो टूटता है, पर पता नहीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्या हुआ, मैंने जितना भी बनाया और बनाया भी इस बार मैंने बहुत सारा, एक भी नहीं टूटा, एक भी नहीं। तो बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो मैंने पानी देके इसको थोड़ा सा हल्का सा मतलब और लिक्विड कर लिया है। अभी फटाफट से ये आधा बना लूँगी, उसके बाद छोले चढ़ा दूँगी एक साइड में, फिर बाकी का लॉट बनाऊँगी। इसमें मैंने लिया है वो
नट, फिर ग्रीन चिली, अदरक और ये वाटरमेलन का सीड, दिखाई नहीं दे रहा है सीड्स, तो इसको मैं अभी करूंगी पेस्ट। अभी मैं एक तरफ अपने लिए थोड़ा सा आलू फ्राई कर रही हूँ और आलू को मैंने चिप्स की तरह कट लिया है, जैसे कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि ये सब करते करते ना टाइम भी बहुत हो चुका है और मुझे भूख भी बहुत लगा है। तो एक बार सोच रही थी कि चाय पी लूँगी एक पीठा देके, लेकिन फिर लगा नहीं कि थोड़ा सा भात खाना पड़ेगा क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो इसलिए मैं एक तरफ अपने लिए आलू भजा कर रही हूँ भात खाने के लिए। इसमें और कुछ वैसा बोल के शेयर करने जैसा था नहीं, जस्ट मैंने वो जो एक मसाला बनाया था ना पीनट की कैश्यू नट सीड्स सब देख के, और वो दिया था क्या बोलते हैं इसको वाटरमेलन सीड्स, तो वही जस्ट एक वो मसाला ही मैंने जस्ट स्पेशली ऐड किया था, और थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी भी ऐड किया था जो कि मैं ऐड करना भूल गई थी पहले, बाद में किया था। तो फटाफट से ये सब बना लिया और ये सब बनाते ये बना के फिर मैंने और जो बचा हुआ पट्टी शपटा था वो भी बनाया। ये सब करके किचन को पूरा क्लीन किया और ये सब करते करते ना 4:15 हो ही गया था, और विंटर में तो 4:30 मतलब बाहर पूरा अंधेरा हो जाता है और मुझे भी इतना टायर्ड लग रहा था। लेकिन एक अच्छा बात ये था कि वो लोग आ रहे हैं, और जब फ्रेंड्स लोग आते हैं ना तो हंसी मजाक एक दूसरे की टांग खिंचाई ये सब करते करते टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं। और अभी मैं फटाफट से थोड़ा सा जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मतलब ये वाले घर में ये लोग पहली बार आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो मिठाई लाना पड़ेगा ही, तो अभी मैं फटाफट से मिठाई लेके आ भी गई हूँ। आके मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है और अभी ये लोग आए हैं, और देखिए ना मेरा कैमरा हाथ में देख के वो मोनिका तो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन आज मैंने कुछ सुना नहीं, मुझे डांट रही थी शुरू हो गया तेरा कैमरा ऑफ कर कैमरा ऑफ कर। जो यो फ्रेंड्स ये लोग आए, फिर हम लोग बैठ के बहुत अच्छा से बातें किए, फिर बाद में थोड़ी देर बाद ना दुर्गा की बेटी भी आई, वो जिम में थी, फिर ये लोग गए, उसके बाद मैंने ये सब पूरा क्लीन किया किचन, और सब्जी में वो जो बनाया था ना वो छोला, वो छोले का वो जो घुगनी टाइप मतलब वो देखी, मैंने रात को डिनर भी किया था। और मैं अभी ना कुछ और कंटिन्यू नहीं करूँगी, ये वाला ब्लॉग में यही पेंट करूँगी, और नेक्स्ट दूसरे ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।